तो यूपी में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में जश्न जारी है। लखनऊ के सरोजी नगर सीट से पहली बार जीते राजेश्वर सिंह के घर पर भी समर्थक खुशियां मनाने पहुंचे हैं। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव के करीबी अभिषेक मिश्रा को हराया। इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह ने उनसे बात की। ईडी अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से विधायक चुनकर आए हैं और अब एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले जाना चाहेंगे, नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल सीट बताई जा रही थी क्योंकि स्वाति सिंह जो कि मंत्री रही उनका टिकट काट कर आपको दिया गया था, अब तो जीत हासिल हो गई है। प्राथमिकताएं क्या है आपकी? नहीं, क्षेत्र का विकास करना है। मैंने पहले दिन से कहा है मुझे एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, तो सरोजनी नगर को मैं एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा। मैं संकल्पित हूँ उसके लिए, उसे मैं बनाऊंगा। और यहाँ बिजली, पानी, सड़क ये सबसे अच्छी होनी चाहिए। युवाओं का विकास करना है, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है, कौशल विकास केंद्र खोलने हैं, युवाओं को संसाधन उपलब्ध कराने हैं, युवाओं को आगे लेके जाना है। बहुत मुश्किल कहा जा रहा था जब स्वाति सिंह का टिकट काटा गया तो उसके बाद किस तरह से स्ट्रेटजी तैयार की गई, किस तरह मैंने ये भी पता किया कि लगभग 200 से ज़्यादा अपने सभाएं की, खुद लोगों से इंटरेक्ट हुए? नहीं, कार्डर बहुत मजबूत है, संगठन बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित थे। जनता योगी आदित्यनाथ जी में अपार विश्वास रखती है। योगी जी और परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से जनता बहुत प्रभावित है। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही जनता उससे बहुत लाभान्वित हो रही है। जनता इनके ऊपर विश्वास रखती है। ये जीत उन्हीं की है, ये जीत उस विचारधारा की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा हो, चाहे विकास की विचारधारा हो, चाहे राष्ट्र प्रथम की। तीनों विचारधाराओं के साथ जनता है, इसी विचारधारा के कारण हम चुनाव जीते हैं। और जो पार्टियां, भ्रष्ट पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, जिनकी विचारधारा थी परिवार प्रथम, माफिया प्रथम, अपराधी प्रथम, गुंडे व्यभिचारियों की दम पे चुनाव लड़ रही थी, उन विचारधारा को जनता ने नकार दिया है और उनको उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से हरा के बाहर कर दिया है। अभी तक आप एक अधिकारी के तौर पर काम करते रहे, आपका जो काम करने का स्टाइल रहा होगा, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करना, लोगों के बीच में जाना, कितना अलग महसूस हो? नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जनता के लिए काम करना है, जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाओं पे खरा उतरना है और जनता का विश्वास और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए पार्टी पे। इसके लिए मैं संकल्पित हूँ और इसके लिए कार्य करूँगा। एक आखिरी सवाल राजेश्वर जी, जो संभावित मंत्री पदों में नाम चल रहा है उसमें राजेश्वर सिंह का भी नाम है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं एज एमएलए मैंने वो संकल्प लिया है क्षेत्र के विकास करने का, वही कार्य मुझे करना है और वही मेरी प्राथमिकता। अगर मंत्री पद से नवाजा जाता है तब? नहीं, मेरा कोई उसमें इच्छा नहीं है। मैंने संकल्प ले रखा है, मैंने जनता को आश्वस्त किया है, मुझे क्षेत्र का विकास करना है, बेटियों का आत्मनिर्भर बनाना है, युवाओं का, तो मेरा प्राथमिकता सरोजनी नगर क्षेत्र है, सरोजनी नगर की जनता है, सरोजनी नगर का विकास है, मुझे एक आदर्श विधानसभा बनाना है। आखिरी सवाल, कल 10 मार्च था, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि चार अन्य राज्यों में, आज 11 मार्च है, आपका जन्मदिन है। थैंक यू, बहुत भगवान की कृपा है, माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा से इतना अच्छा ये परिणाम आया है और भारतीय जनता पार्टी जीती और प्रदेश का और विकास होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर जी, एक नई इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं बतौर विधायक सरोजनी नगर सीट से, बतौर विधायक चुने गए हैं। ये कहा जा रहा था एक बहुत ही मुश्किल सीट होगी क्योंकि यहाँ से एक वर्तमान मंत्री और विधायक का टिकट काट कर दिया गया था राजेश्वर सिंह को, लेकिन उन्होंने बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सीट को जीता ही नहीं बल्कि अपनी एक नई इनिंग की शुरुआत की है। फिलहाल मंत्री पद के बात को उस सिरे से अभी टाल गए। कैमरामैन विजय भदौरिया के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।